गुज़िश्ता साल रमज़ानुल मुबारक के दौरान सोशल मीडिया पर गुंबद-ए-खिज़रा की बेहुरमती किए जाने के ख़िलाफ़ हुबली शहर में तशद्दुद फूट पड़ा था। हुबली शहर के ओल्ड पुलिस स्टेशन इंडी पंप पुलिस स्टेशन के रूबरू सैकड़ों नौजवानों ने इकट्ठा होकर सोशल मीडिया पर गुंबद-ए-खिज़रा की बेहुरमती करने वाले मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करने का पुरजोर मुतालबा किया। एहतजाज पुर अमन हो रहा था कि अचानक पथराव शुरू होने के बाद सूरत हाल पुलिस के काबू से बाहर हो गई और तशद्दुद फूट पड़ा। पुलिस ने इस सिलसिले में 158 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया। 1.5 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी इन नौजवानों को ज़मानत हासिल नहीं हुई है। कई तंजीमों और उकला की जानिब से इन नौजवानों को ज़मानत पर रिहा करवाने की कोशिशें की गईं, लेकिन ये कोशिशें कामयाब नहीं हुईं। इंसानी हकूक़ कमेटी और गिरफ़्तार किए गए नौजवानों की माओं और रिश्तेदारों की जानिब से आज धारवाड़ में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा करते हुए गिरफ़्तार किए गए बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया गया। डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए चीफ मिनिस्टर कर्नाटक सिद्धरामैया और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मेमोरंडम रवाना करते हुए बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया गया। इंसानी हकूक़ कमेटी के सदर अब्दुल हमीद कोपाड़ ने बताया कि हुबली में हुए तशद्दुद के मामले में 158 बेकसूर नौजवानों को गिरफ़्तार किया गया और उनके ख़िलाफ़ UPA का गलत इस्तेमाल करते हुए मुकदमात दर्ज किए गए, जिसकी वजह से इन नौजवानों की ज़मानत नहीं हो रही है और ये नौजवान पिछले 1.5 साल से जेल में बंद हैं। गिरफ़्तार किए गए एक नौजवान सरफराज की वालिदा सलीमा करबल ने बताया कि उनके बेटे को झूठे केस में फंसाया गया है। पुलिस उनके बेटे को इंस्पेक्टर से मिलाने के बहाने से घर से ले गई और उसे जेल में डाल दिया गया। गिरफ़्तार किए गए एक और नौजवान आदिल शाह शेख की वालिदा मुमताज़ शेख ने बताया कि उनका बेटा ऑटो चलाता है, वो घर में सोया हुआ था कि पुलिस उसे उठा कर ले गई। मुमताज़ शेख का कहना है कि गिरफ़्तार किए गए ज़्यादातर नौजवान मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, उनका पुलिस स्टेशन पर पथराव या तशद्दुद में कोई हाथ नहीं है। वो तमाम बेकसूर हैं, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए क्योंकि वो अपने ख़ानदान का सहारा हैं। सुनील सांद्रा, अब्दुल हमीद कोपाड़, सुरेश अब्दुलरहमान, मूसा पठान एडवोकेट और ख़वातीन ने एहतजाज में हिस्सा लिया। निरपराधी जन अमायक जन अन्याय व्यापे कायदे हाकि और ओळगडे माडिदरे आमले सरकारदिंद बिडगडे माडुव 321 कायदे अडियल्लि बिडगडे माडुव तक्षणे निरपराधिगळन्नु बिडगडे माडबेकंत तम्मल्ले हेळुगुत्तु तम्म मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अवरिगे संदेशवन्नु कळिसलागुत्तु। ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣದಾಗ ಭಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಈಗೇನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನವಿ ಕೊಟ್ರಿ? ಈಗ ವಿಆಪಿ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಕತ್ತಾರ, ಅದನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿವ್ರಿ, ಜೀವಳ ವರ್ಷ ಆತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ ಇವತ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರ, ನಾಳೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರ, ಹೆಂಗ ಹೇಳಕತ್ತಾರಿ? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿರಿ, ಎದೇ ತೊಲ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿರಿ, ಅದು ತೆಗಿಬೇಕ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಠ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ। ಆಗ ಅಷ್ಟೇ ಲಘು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿತೀವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ। ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಹೆಸರೇನ್ರಿ? ಸರ್ಫರಾಜ್ ತರಗೋಲ್।
गलभे पोलिस स्टेशन अगे सुड़ मकलू कर्क मक मन मकंदी हिडको पोलिस ना भाई ना रिसल्ट आगे आदू बेग नम दुड केस हर अंतर अब तगसी नम मे नव बड़ी नोड़ी सर ಇಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ನಮ್ದು ಇದೆ ಐತ್ರಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಇಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿಎಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಇದು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ ಮೊದಲಿಂದ ಇದ ಸಿಯಾಸತ್ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ 150 ಮಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಕತ್ತ ಅದು ರದ್ದ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಆಲಿ ಹಿಂದೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಡಿಸಿಗೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಸಿದೀವಿ ಮೊನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಡಿಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಈಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಎಲ್ಲರ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸುರೇಶ್